मनोदशा है वो दर्शाता हुआ टीम एनिग्मा की कि वो अब यहाँ से फिनिशेस के लिए जाने की कोशिश करने वाले। मीनवेल टीम फोर हीरोज की बात करें, व्हीकल लेकर के टीम गॉडलाइक के काफी करीब से जा रहे हैं। जोनाथन यहाँ पर एक बढ़िया स्प्रे देंगे मूविंग व्हीकल पे। किंग अभी के लिए डाउन है, गॉडल जीएल वहां पर उनका नाम है, उनको भी यहाँ पर स्पॉट करके काफी ज्यादा लो जरूर से किया गया। चलिए यहाँ पर गॉडल जीएल वर्सेस टीम गॉडलाइक, ये फाइट देखने में बड़ा मजा जरूर से आने वाला है। सर्कल के अंदर टीम गॉडलाइक एक अच्छा डिप इनके पास मौजूद है, बट जब भी आप डिप में होते हो तो ग्रेनेड आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। टीम गॉडलाइक जिस अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं फिलहाल वही अग्रेशन दिखाते हुए। किंग ऑलरेडी डाउन है, उनका फिनिश यहाँ पर इजिली सिक्योर किया जा सकता है। एंड गॉडल जीएल जो है उनको भी वहां पर इजिली डाउन किया जाएगा। जोनाथन वो प्रेज जो इनके लिए जाने जाते हैं वो एक बार फिर से जाएंगे। एंड टीम फोर हीरोज के दो हीरोज अभी के लिए लॉबी छोड़ते हुए, उनका नाम है गॉड आई जीएल, बट ज्यादा कुछ आगे वो कर नहीं पाए। गॉड आईजीएल को यहीं पे डाउन किया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हुए। बट फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाल सकते हैं और फिनिशेस की मैं बात ही कर रहा था। एक और नॉक गॉडलाइक की तरफ से हमें देखने को मिलता हुआ, बिल्कुल इजीली वहां पर जो फिनिश है वो सिक्योर हो जाएगा। टीम बी की बात करें यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल में जरूर से नजर आ रहे हैं। नियो विद दैट ग्रेनेड, क्या ये कनेक्शन बना पाएगा? मीनवाइल आप देखिए अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीम को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जोनाथन एक तरफ, नियो एक तरफ और हर तरफ अभी के लिए जो एक तांडव है वो हमें देखने को जरूर से मिलता हुआ। कितने फिनिशेस यहां पर ले पाएंगे वो एक देखने वाली बात। मीनवाइल सोल के युवा ने वहां पर एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, डाउन किया, कुछ ग्रेनेड वापस पैम किए जाएंगे। कनेक्शन बनाया ये ग्रेनेड जॉनथन का, लेकिन वहां पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि फिनिश निकाला जाए। ये ग्रेनेड डिसाइडर वन हो सकता है जरूर से और वो जाएगा। डॉट एचपी सरवाइव कर रहे जादू, बट उन्होंने अपने आप को हील कर दिया। मॉलोटॉफ वगैरह जो है वो भी वहां पर थ्रो किए जाएंगे। आर ई स्पोर्ट्स के जादू का यहां पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल, साथ ही साथ जोन में भी जाना है टीम गॉडलाइक को। लेट्स सी यहां पर प्रायोरिटी इनकी क्या रहने वाली है। जोन, जोन के अंदर वो निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। टोटल 9 फिनिशेस यहां पर निकाल चुके, अभी भी आप देखें 10 टीमें 26 सर्वाइव करते हुए इस लॉबी में। गॉडलाइक के स्कोर जिस तरीके से पड़ेगा, बड़ी तरीके से फ्रॉस्टी डाउन हुए, मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गई उनकी टीम। जोनाथन डाउन किए गए, क्लच गॉड मौजूद थे वहां पे, एडी को डाउन जरूर किया गया, बट फिलहाल के लिए जोनाथन खत्म हो जाएंगे। 9 फिनिशर्स गॉडलाइक के पास, बट मात्र 3 प्लेयर उनके सर्वाइव करते हुए सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे। बट चलिए जी गॉड उनका भी हमें एलिमिनेशन हो सकता है कि देखने को मिल जाए। स्मोक वहां पर मौजूद जरूर से, टीम आरी स्पोर्ट्स के प्लेयर आ चुके हैं वहां पर। एंड ये जो व्हीकल लेकर के क्लच गॉड के काफी करीब था, लेकिन ये एक हीरोइक एंट्री के चक्कर में उनका नॉक जो है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। जादू इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, ये ग्रेनेड अगर उस डिप में जाएगा तो वहां पर प्लेयर फिनिश ऑफ जरूर से हो सकते हैं। वो ग्रेनेड कनेक्ट भी करेगा, जी गॉड कितना कम एचपी पे वहां पे सर्वाइव करे। क्लच गॉड ऑलरेडी वहां पर उनकी एचपी जो है डाउन है, एंड कैनरी जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पर ट्रांसफर करे। जादू उनके लिए एक मौका है 1v2 क्लच कर पाने का, क्या वो कर पाएंगे? ओपन में जा रहे हैं, क्लच गॉड को स्पॉट किया। नियो इज द नेक्स्ट टारगेट, लेकिन वहां पे नियो जो है वो बेहतरीन गेम प्ले दिखाएंगे। उन्होंने जो लास्ट मैन स्टैंडिंग थे उनको एलिमिनेट किया और 11 फिनिशेस के साथ टीम गॉडलाइक अभी भी सरवाइव करते हुए। नियो को आप देखें 7 फिनिशेस अकेला वो बंदा निकाल के जाता हुआ। जोनाथन की कमी बिल्कुल भी महसूस होने नहीं देंगे अपनी टीम को। 7 फिनिशेस निकाले, दोनों प्लेयर यहां पे सरवाइव करते हुए दिखा देंगे। टैक्टिकल ई-स्पोर्ट्स एक बार फिर से बेहतरीन गेम प्ले दिखाते हुए, बट नाम लेते हिटमैन डाउन होते हुए नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली रिवाइवल पॉसिबल रहेगा, बट इस वक्त आयरन साइट के आप स्क्वाड को देखें, एक बार फिर से उनके तीनों प्लेयर सरवाइव करते हुए टॉप 5 अपनी टीम को लेकर इनविंसिबल के साथ एलिमिनेट होते हुए। क्लच गॉड एक बार फिर से उनका रथ चलता हुआ, देखते हैं और कितने फिनिशर्स निकाल सकते हैं। 12 ऑलरेडी गॉडलाइक के पास है, बट क्लच गॉड को आप देखें खाता अभी तक उन्होंने खोया नहीं, खोला नहीं है। बट वहीं पे नियो की बात करी जाए, 8 फिनिशेस एक अकेला प्लेयर इस वक्त निकालता हुआ। बिल्कुल मुझे लग रहा है कुछ नए टारगेट सेट करने के मूड में आए यहाँ पर टीम गॉडलाइक, कुछ नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर जरूर से बन सकते हैं। बट दो ही खिलाड़ी वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें टीम आयरन साइड की, एक बार फिर से बढ़िया प्रदर्शन हमें देखने को मिलता हुआ। टीम टैक्टिकल टीम एनिग्मा की मुश्किलें बढ़ाएंगी, लेकिन टीम एक्स लाइन को आप देखिए क्या बढ़िया हाइट का एडवांटेज हमें उनके पास देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से वो कंसिस्टेंसी जिसकी हम बात करे थे वो हमें उनकी साइड से देखने को मिलती हुई। टैक्टिकल वर्सेस एक्स लाइन हमें यहाँ पर ये फाइट जरूर से देखने को मिल सकते हैं। मीनवाइल अगर हम बात करें टीम आयरन साइड की, तो अपना एक और खिलाड़ी यहां पर खोलेंगे, लेकिन जो जोन है वो भी कहीं और जाएगा। टीम आयरन साइड के जो आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग थे उनको यहां पर एलिमिनेट किया गया। 4 टीम्स 10 प्लेयर्स यहां पे सर्वाइव करें। टीम एक्स लाइन विद ऑल द 4 प्लेयर स्टैंडिंग, टीम गॉडलाइक के मात्र 2। बट एनिग्मा के वो आखिरी प्लेयर है कैसे भी अपने टीम को सर्वाइव कराते हुए। बट आप टैक्टिकल और एक्स लायन को देखें, पिछली बार भी टॉप 5 में थे, इस बार भी आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। आयरन साइड जस्ट अभी खत्म हुई है, बट योद्धा आगे आएंगे एगी को डाउन कैसे के साथ। टॉप 3 टीम 13 फिनिशेस आपको देखने को मिलेंगे गॉडलाइक के पास। बट क्लच की बात करी जाए वो यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, बट टैक्टिकल अपना काम यहाँ पे कर चुके, उनके पास 10 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं। 3 प्लेयर वहां पे सर्वाइव, क्लच डाउन जरूर। बट योद्धा की बात करी जाए आगे आपको जाते हुए दिखाई देंगे, इसी बीच वहां पे क्लच को रिवाइव कर दिया गया, बट पीछे से कॉल फॉर
मौजूदता। हिटमैन योद्धा को डाउन करते हुए क्लच गॉड किस भी बहुत कम मोस्ट गोल भी डाउन तुम्हें दिखाई देंगे। बिल्कुल लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे नियो अपनी टीम से बड़े। इस बार टैक्टिकल के प्लेयर काफी ज्यादा मुश्किल में। किड अकेले प्लेयर सर्वाइव करते हुए एक्स लाइन जो पिछला मैच चूक गए थे इस मैच में नहीं चूकने वाले और अब बारी है 1v4 की। एग्जैक्टली यहां पर एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं, नियो है उनका नाम। टीम गॉड लाइक टॉप टू में यहां पर आते हुए नजर आ जाएंगे। टीम टैक्टिकल का एक बार फिर से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाएगा। टीम एक्स लाइंस की बात करें एक बार फिर से वो टॉप थ्री में हमें देखने को मिल जाएंगे। क्या नियो यहां से कुछ कमाल कर सकते हैं वो अब एक सवाल जरूर से रहता है। काफी ज्यादा मुश्किल जरूर से रहने वाला है क्योंकि पोजीशन इनकी कहीं ना कहीं रिवील्ड अब यहां से हो सकती है। स्मोक्स इन्होंने यहां पर थ्रो करे, साथ ही साथ 1v4 का सिनेरियो। टीम एक्स लाइंस के चारों खिलाड़ी जो है वो यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है। योद्धा माधव समुराई आप देखिए वो सिंपली यहां पर एक तरीके से तलाश कर रहे हैं उस आखिरी खिलाड़ी की। योद्धा को फाइनली स्पॉट किया जाएगा एंड स्प्रे डाउन भी किया जाएगा। पहला नॉक आ चुका है। क्या 1v4 यहां पर रिकॉर्ड को स्पॉट करके डाउन किया। नियो इज लुकिंग एंग्री टुडे। वहां पर एक ग्रेनेड जो वो भी स्पैम किया जाएगा। सिंपल लेफ्ट साइड में मौजूद जरूर से माधव के काफी करीब वो ग्रेनेड जाएगा जरूर से, बट अगेन वो कनेक्शन आएगा नहीं। लेफ्ट साइड में खिलाड़ी मौजूद है बट यहां पर पॉसिबल हो नहीं पाएगा। टीम एक्स लाइन एक बार फिर से बेहतरीन